अपना परिचय बता दें। मेरा नाम आरपी सिंह है, मैं अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण सतर्कता मॉनिटरिंग कमेटी का जिला गौतम बुद्ध नगर का सदस्य हूँ। लेकिन सर एक सवाल हो रहा है आपसे, सर लगातार कहा जा रहा है कि निजीकरण से आरक्षण खत्म हो गया। अभी आप एक आपने देखा है कि आपने पुनः मुद्दा स्टार्ट कराया है। देखिए जितने हमारे आईएएस अधिकारी देश की नीति बनाने में शीर्ष स्तर पर होते थे, वो इन्होंने अपने खुद के चमचे निकाल करके उनको जॉइंट डायरेक्टर बैठा दिया। हर डिपार्टमेंट का हेड वो बैठा है, और जो बुद्धिजीवी है, जो जो हमारी सिलेक्शन लोकसभा से जो निकल के आता है, वो आदमी देख रहा है। तो आज व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं निवेदन करूंगा कि इस देश के अधिकारी और नौजवान जो आज सड़कों पे आ गया थाली पीट रहा है, ये दो लोग सत्ता परिवर्तन करेंगे। किसी के हाथ में सत्ता रुकने वाली नहीं है, भारत का संविधान जिंदा है, तो ये सत्ता नहीं रुकने के 70 सालों में जो काम नहीं हुआ वो इस सरकार ने काम करें। हाँ बता तो रहा हूँ, वो किया इन्होंने 70 साल में नहीं हुआ। वो मंदिर वाला उठाया 370 वाला, बाबा साहब ने विरोध किया था, और अभी तो शांति भी नहीं हुई है। नहीं मैं कुछ नहीं मानता इसे, अभी शांति भी नहीं है। कितने पुलवामा हो गए, कितने, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी बीजेपी की सत्ता आई है, क्या जब ही ये पाकिस्तान के युद्ध और इनसे युद्ध होते हैं, आपको जानकारी है? जब तभी क्यों होते हैं सांप्रदायिक दंगे, तभी क्यों होते हैं? आज गरीब आदमी करा रहा है, कितना परेशान है, लॉ ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। 1971 में कांग्रेस के साथ भी हुआ ना युद्ध का। देखो युद्ध हुआ था, कांग्रेस ने सम्मान बनाते हुए पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बनवा दिया था, वो ताकत थी। और उसके लिए मुझे याद है कि 5 पैसे का टिकट उसकी आर्थिक मदद के लिए लगता था कि ये टिकट 5, ये आर्थिक मदद का है। तो आप इस बात से सहमत है, लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री अच्छा झूठ बोलता, बहुत तकड़ा झूठ बोलता, जैसे पहले कभी ये होती, कुछ कहावत थी कि जितना खुराप, जितना बड़ा खुरापाती उतना बड़ा समाजवादी, इसी तरह से जितना बड़ा झूठा उतना ही बड़ी भाजपा वादी। ये मानवतावादी नहीं है, ये व्यक्तिवादी सोच है। लेकिन सर इन सब चीजों को लेके अभी बहुजन नेता कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। देखिए सबके कॉलर भी गंदे हैं और डर भी लगता है। हम तो ब्याज वाले आदमी, हमारा क्या है, हम तो तैयार है। ये नौजवान अब रुकने वाला नहीं है, सड़क पे आने वाला है। इसको रोजी रोटी चाहिए, हर साल 2-3 लाख से ज्यादा लोग सड़क पे आ जाते हैं। मंदिर तो दिया मंदिर में, देखो मंदिर का मुद्दा कुछ मुद्दा ही नहीं है, मंदिर बन भी गया, कभी किसी ने उठाया, किसी ने विरोध तो नहीं किया मंदिर का। लेकिन सर किसी ने विरोध, बहुजन को चाहिए पाठ पूजा, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है सर पार्लियामेंट जाने की, उन्हें घंटा हिलाने के लिए दे दिया, अब घंटा हिला नहीं। ऐसा नहीं है, अब नौजवान पहचान के बात करेगा। चलिए अब पहचान के बात करेगा। जय भीम नवोदा। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।